टीकमगढ़ जिले के लिधोरा थाना अंतर्गत ग्राम गोटेट के रहने वाले किसान के गांव में ही कुछ दबंगों द्वारा सरेआम मारपीट की गई एवं घर में रखे बीज की बोरियों को उठा ले जाने का आरोप लगाया। पीड़ित किसान ने बताया कि हम लोग अपने परिवार के साथ कुंडेश्वर से खेती के लिए बीज की बोरियों को लेकर आ रहे थे, तभी लिधोरा थाना के पास गोटेट गाँव के कुछ दबंगों ने जाति सूचक एवं गाली गलौज कर मारपीट कर दी और साथ ही गाँव में न आने की धमकी दी, जिससे हम लोगों में भय का माहौल व्याप्त है, जिसके कारण हम लोग गांव में नहीं जा पा रहे हैं, जिससे हम लोगों का पूरा परिवार दूसरे गांव में रहने पर मजबूर है, जिसकी शिकायत लेकर हम लोग पुलिस थाना लिधोरा गए हुए थे, जहां हम लोगों की शिकायत दर्ज करते हुए डांट डपट कर भगा दिया, जिसको लेकर हमारा पीड़ित परिवार पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही करने की शिकायत दर्ज कराई। टीकमगढ़ से मनोज खरे की रिपोर्ट। क्या घटना घटी, कैसे घटी? तो इन्हें रास्ते में सामने आकर ट्रैक्टर खड़ा कर लिया, तो मेरे बड़े भाई को पकड़ के खींचने लगे, उसको जमीन रोड पर लेटा करके मार रहे थे जी, और उसको गला पकड़ के ले गए, वो गला पकड़ दिया, नाक से खून आ गया जी, और उसने कट्टा की बट सिर में मार दी, बोले साले यहाँ से हिलेगा, मेरे को जितना लेना है माल ले जाने दो, अगर तुम लोग ज़्यादा करोगे जान से मार के डाल देंगे यहीं पर। तो तुम कहाँ से माल ले जा रहे थे? कुंडेश्वर से। कहाँ ले जा रहे थे? गोटेट जी। तो आप कहाँ गोटेट के रहने वाले? गोटेट के रहने वाले हैं। तो आपने इस संबंध में थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई? रिपोर्ट दर्ज कराने गए तो रिपोर्ट ली नहीं जी। तो अभी आप लोगों ने क्या किया उसके बाद? इसके बाद हम लोग टीकमगढ़ ही आए, टीकमगढ़ में कार्रवाई स्टार्ट की जी। अच्छा, तो गांव में कोई नहीं है? गांव में कोई नहीं है जी, डर के मारे यहां पड़े हुए हैं, सारी रास्ताएं जाम करे हैं जी, और धमकी दे हैं कि तुम्हारी सारी जायदाद लूट के रहेंगे, बोले गांव में दिख जाओगे तो जान से मार देंगे, इसलिए गांव में जाने नहीं देते हैं जी, और इसके बाद दूसरे गांव में आज 5 दिन के पड़े हुए हैं, और ताला माला तोड़ के सारी लूट कर रहे हैं जी। कितने लोग हैं? लगभग 10 लोग हैं जी। क्या नाम उनका? दिल्ली बोलो। कौन जी? राष्ट्रपति यादव है, अरविंद यादव है जी, और राष्ट्रपति यादव है। पुरानी रंजिश चलती क्या? नहीं, कुछ रंजिश नहीं चल रही जी, लूट की मारपीट की है, मारपीट की है। क्या नाम? रमेश। कौन गाँव जी? रोटी। क्या घटना घटी, कैसे घटी? ये घटी कुंडेश्वर से बीज लेते हैं यहाँ। अच्छा, कितने लोग थे तुम लोग? 4 लोग थे परिवार के। हाँ, फिर तो 4 लोग रास्ते में रुकते हैं, चाबी छीन लीगा। कहाँ, कौन रास्ते में? शंकर जी सब्जी के मंदिर लधवा के आगे तन चल के सब्जी के मंदिर ने चाबी छीन के झुटकी पकाए के मटका पैसे हमको उतार लीगा, फिर गला दबा नीचे पटक दिया, फिर कटिया वहाँ जंगल में ले गए, उसको पकड़ लेगा, मुझको पकड़ लेगा, दोनों जने का, और जे रोकने लगी कट जाते हैं उतार रहे, फिर उसको गाली माली बकने लगेगी, गाली बकते हैं, कटिया उतारने बोले ले जाते हैं पैसे, चला ले गए दोनों भाई और सबको बैठा ले गए, बैठा के घर पहुँचे, उधर मारपीट की जाने। मारपीट की जाने। सामान भी लूट लिया। सामान लूट लिया। तो इसके संबंध में तुमने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई? तो घर से बाहर निकल नहीं पाया उनके, वहाँ जी रिपोर्ट निकले कहाँ? अच्छा, घर निकली गई, तो 4 बजे जैसे पैसे निकले तो थाने आए, थाने वाले ने रिपोर्ट ली नहीं, गाली में उधर आ जाते जब हम माल मचाने के लिए, तो रहे थे हम सीधे टीकमगढ़ पहुँचे। आज तुम कितने दिन से गांव से बाहर? 5 दिन से इधर रुके हैं। क्यों नहीं जा पा रहे? उनके मारपीट के मार कहते तुमको बहुत पैसे वाले बढ़ गए हैं, तुमको जैसे तहीं वे बना देंगे, तो मजबूरी बस तुम्हें परिवार के साथ दूसरे गांव में रुकने, दूसरे गाँव में अपने बच्चे पाले, दूसरे गांव में रहे, जमीन ज्यादा सब नहीं छोड़े? सब छोड़े हैं। तो क्या वो जमीन प्रॉपर्टी लेना चाहते थे? सब है अपने वाले। कौन गाँव जी? बहुत अच्छी। क्या घटना घटी तुम्हारे? बता दूंगा अभी, हमने साथ में जाया था,
मामा के घर से जा रहा था साथ में, तो मामा ने वहाँ पे बैठा दिया था ढाबा से, तो हमने वहाँ से बैठ गया, तो उसने हमें गाड़ी दे के गाड़ी में से उतार दिया, हाथ फटा के तू यहाँ से भागा, तो उसको आदमी का हम दूर मारपीट की क्या लोगों ने? हाँ मारपीट किया, हम आदमी को मारा, घिसी पकड़ा। तो अब गांव में जा पा रही कि नहीं जा पा रही? नहीं जा पा रही गाँव में। तुम गाँव में आएगी सिलाई सिलाई से काट के मार के फेंक देगी, तुम्हारे को पता नहीं देगी ना, तुम्हारे को जाऊंगा फिर आपसे। आज आज तुम लोग कितने दिन से दूसरे गांव में रहने की मजबूरी है? छह पाँच दिन हो गया यहाँ पे रह के, घर छोड़ के यहाँ दूसरे गाँव में रहे, दूसरी गाँव में मम्मा के गाँव में रह रहे हैं। मतलब दो लोग आने नहीं दे रहा गाँव में? गाँव में बिल्कुल धोखा नहीं दे रहा है, खेती जाएगी सब खुलाई के तुम आदमी को काट जाएगी, तुम हमको काट जाएगी। सर बताएं जो गोटेट गांव का मामला है, क्या है सर पूरा मामला? ये गोटेट का रमेश हरवार है आवेदक, जिसने शिकायत की थी 31/10 को कि वो कुछ अनाज की बोरियां लेके आया था, तो राजपत यादव और अरविंद यादव के खिलाफ उसने शिकायत दी कि बोरियां हमारी छुड़ा ली हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, उसमें 8-10 लोगों की बोरियां थी और साथ में सभी लोग थे, और ये जो वाद विवाद हुआ है वो सिर्फ बोरियां उतारने के लिए हुआ है, और इनको कुछ पुरानी रंजिश थी, बाकी ऐसी कोई घटना हुई नहीं है, और आगे भी अपन जाँच कर रहे हैं दोनों पक्षों की तरफ से, क्योंकि दूसरे पक्ष लोगों ने भी दिया है कि उनकी बोरियाँ रमेश हरवार ने अपने घर में रख रखी हैं और दे नहीं रहा है और उसी की झूठी शिकायत कर रहा है, तो उसके अपन जांच कर रहे हैं, जैसा भी अपने सामने आएगा अपन वैधानिक कार्रवाई आगे करेंगे। तो उसने आरोप लगाया एसपी ऑफिस भी गया तो ज्ञापन देने के लिए, तो गांव में जा नहीं पा रहा, उसके साथ धमकियां दी जा रही है? ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उसका घर और जो जिनके खिलाफ इसने शिकायत दिया है दोनों के घर अलग अलग रास्ते में है, और वो क्योंकि रात में 9 बजे की घटना है और ये अगले दिन 4 बजे भी आया था, अगर ऐसा होता तो बिल्कुल ही नहीं आ पाता और ना तो दूसरी जगह शिकायत देने जा पाता, और क्योंकि वो जिसके खिलाफ शिकायत दे रहा हो हमारे यहाँ का NRS है, तो ये कहना गलत है कि ये रास्ता रोके हुए हैं, वो पूर्ण स्वतंत्र है और यहाँ शिकायत देने भी आया था, लेकिन उसकी शिकायत सही नहीं पाई गई है, इसलिए वो इस तरह की बहानेबाजी कर रहा है कि ये हमें आने नहीं दे रहे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।